जो विपक्ष है उनका कहना है कि युवाओं को धोखा दिया गया है केंद्र में। देखिए 2 करोड़ की बात तो हम लोगों ने नहीं किया था, हम लोगों ने तो जो कहा था 10 लाख नौकरी की बात, शुरुआत हो गया है। 1.25 लाख तक 1,20,336 लोगों को इस बार नियुक्ति पत्र बांटा गया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह आज राजधानी के केएल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने पोस्टर लॉन्च किया। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया शिक्षक नियुक्ति को लेकर कि जो विपक्ष है वो लगातार शिक्षक नियुक्ति को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, उस पर मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि विपक्ष का तो काम ही है सवाल खड़ा करना, अगर आप किसी चीज़ को अच्छा कहेंगे तो विपक्ष कहेगा कि नहीं वो चीज़ खराब है, वो चीज़ अच्छा नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हमारी सरकार जुमलेबाजी नहीं करती है, हम लोगों ने जो वादा किया वो वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे मंत्री सुमित सिंह, और कहा कि हम लोगों ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं कही थी, हम लोगों ने 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी और पहले चरण में 1 लाख से अधिक हम लोगों ने रोजगार दिया और दूसरे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि अमित शाह कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए मंत्री सुमित कुमार, पहले आप वो सुने। लेकिन जो विपक्ष है उनका कहना है कि युवाओं को धोखा दिया गया है। देखिए 2 करोड़ की बात तो हम लोगों ने नहीं किया था, हम लोगों ने तो जो कहा था 10 लाख नौकरी की बात, शुरुआत हो गया है। 1.25 लाख तक 1,20,336 लोगों को इस बार नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसके अलावा जो शेष रह गए हैं जहाँ भी अभी भी बाकी रह गया कि वहाँ पे सीट रिक्त है उनको भी भरने के लिए कल ही निकल गया है, कल परसों में निकल गया है उनका भी, आपने देखा होगा फॉर्म भरा जा रहा है कि फिर से कोई रिक्तियाँ नहीं रहेंगी, लगातार काम कर रहे हैं। और विपक्ष का तो काम ही है, आप अच्छे दिखते हैं तो विपक्ष कहेंगे नहीं, आप अच्छे नहीं दिखते हैं तो ये तो विपक्ष का काम है, वो आपके हर अच्छे योजनाओं को हर अच्छे काम को बुरा कहेगा, इसलिए तो वो विपक्ष है। अमित शाह कल फिर पटना बिहार पहुंचेंगे, मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है। कल नहीं, अभी लगातार वो आते रहे, क्या परेशानी है उसे, स्वाभाविक है, वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने पार्टी के नेताओं के लिए काम करते हैं, तो एक बार नहीं 11 बार आ जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि क्या होना और कौन काम करने वाला है, इतने दिनों में क्या काम नहीं हुआ है बिहार में, कितने तरीके से सब कुछ सरल तरीके से सब कुछ हो रहा है बिहार में काम, हम लोग तो कोई जुमलेबाजी नहीं करते हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मंत्री सुमित सिंह, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो एक बार आए या फिर 11 बार आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपना काम करना जानते हैं, जुमलेबाजी करना नहीं जानते हैं और यह बात जनता भी जानती है। इसी के साथ शिक्षक नियुक्ति को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मंत्री सुमित सिंह, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।